नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे उनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो फॉर्म में, तो आज अगला वीडियो देखेंगे। जितने भी वीडियोस आएंगे आप इसको देखते रहें, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, खरीफ फसलों में मुख्य रूप से नकदी फसल कौन सी है? ठीक है, तो कुछ जैसे कैश क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जिनमें कि मेन एम उनका ये होता है कि एक लार्ज प्रॉफिट जो है वो अर्न करना है उन क्रॉप्स को ग्रो करके और मार्केट में सेल करके। तो रेस्पेक्टिव जो सीजनिंग है जैसे रबी खरीफ और जायद का जो है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम खरीफ फसल के रूप में देखेंगे तो हमारा इसमें सोयाबीन जो है ये हो जाएगा, ठीक। और टोबैको भी जैसे यहाँ पे कैश क्रॉप है बट ये रबी सीजन के लिए है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। और यहाँ पे जो हमारा पांच ऑप्शन वाला फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को हम फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे बाइलिंगुअल भाषा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि शुष्क परिस्थितियों में विकसित होने वाले पौधे कौन से होते हैं? ठीक है, तो बेसिकली जो ज़ेरोफाइट्स हमारे प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई कंडीशंस में ग्रो होते हैं, यहाँ पे पानी की अल्पता होती है, जैसे थॉर्नी लीव्स वगैरह इनकी होती हैं, आपने डेजर्ट वगैरह के एरिया में देखा होगा। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी संरचना यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो बेसिकली जैसे जो सेल्स होती हैं या मेजरली दो टाइप्स की हैं, एक हमारा यूकैरियोटिक है, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नहीं पाया जाएगा हमारा यूकैरियोटिक सेल में ये है मेसोसोम। ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लें। फिलहाल जो बेसिक अंतर होता है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स है इसमें होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है जो भी सेल के अंदर वो मेम्ब्रेन से जो है घिरा होता है, बट ऐसी कोई संरचना प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। और यूकैरियोटिक में जैसे हमारे जो एग्जांपल्स हैं जितने भी जैसे फंगाई हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब है ना समुद्री जीव, तो ये सब इसके अंदर कवर होते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई होम? ठीक है, प्राकृतिक रेडियो धर्मिता जो थी इसकी खोजकर्ता के रूप में यहाँ जाना जाता है हेनरी बैकरेल को। ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, हुआंग हो रिवर जो है वो निम्न में से किस महासागर या सागर में गिरती है या समाप्त होती है, कह लीजिए। ठीक है, तो हुआंग हो जो समाप्त होती है येलो सी के अंदर। ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, ग्रीनलैंड किसके शासन के अधीन है? ठीक है, तो अगर आपने मैप देखा है वर्ल्ड का तो जो आपका यूरोपियन पार्ट है ना, तो उसके इधर नॉर्थ वेस्ट में कह लीजिए आपको एक पीस ऑफ लैंड दिखेगा ग्रीनलैंड नाम का। ठीक है, तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है दिस इज बीइंग गवर्न बाय डेनमार्क। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट है। अगला देखें, सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में निम्न में से कौन सा ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए हमारा सन है सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक, तो अब जो हमारे 8 ग्रह हैं इनका जो क्रम है, तो यहाँ पे है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं क्या कि मार्स और यूरेनस के बीच, तो मार्स ये रहा, ये यूरेनस है, तो उसके बीच में सैटर्न और जुपिटर है। तो ऑप्शन हमारा ये देखिए बी वाला जो है ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए फिलहाल हमें ई ऑप्शन की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, फिर भी इसको देख लीजिए। अगला देखिए कि द रिट्रीटिंग मानसून विड्रॉज इट्सेल्फ फ्रॉम? ठीक है, तो जो हमारा एक रिट्रीटिंग मानसून होता है बेसिकली जो आपका मेनली अक्टूबर और नवंबर के मंथ में जो विंड्स इसके अंदर में चलती हैं, तो ये हमारा जो मानसून का सीजन है ये रिटर्निंग मानसून एक तरीके से समझिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे अगर हम इसका जो पाथ देखें रिटर्निंग का, तो ये हो जाएगा हमारा जो ये आपका ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है इधर से होते हुए, ठीक है, फिर इधर वेस्टर्न बंगाल और फिर उसके बाद इधर केरल का जो पाथ है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये पाथ ये फॉलो करेगा, तो ऑप्शन हमारा डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला? ठीक है, तो जब 1930 में गांधी जी गिरफ्तार हो गए सॉल्ट मार्च के दौरान, सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान, तो उसके बाद इन्होंने अपॉइंट किया था यहाँ पे अब्बास तैयब जी को ये लीडरशिप करने के लिए सॉल्ट सत्याग्रह का। ठीक है, बाद में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था
और उसी बीच गांधी जी और जो और भी बड़े लोग थे, मतलब एल्डर्स लोग थे, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात बोलते थे, ठीक है, क्योंकि जो इस समय अपॉइंट है ये ऑलमोस्ट 76 ईयर्स के थे, तो इनके सम्मान में इस तरीके से इनको बुलाया भी जाता था। अगला देखें, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, तो जो हमारा कम्युनल रिप्रेजेंट इलेक्टोरेट जो है इंडिया में दिया गया, फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ पे मुस्लिम्स को दिया गया था, है ना, तो इसमें जो हमारा 1909 का जो एक्ट आया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स करके, ठीक है, इसके अंदर में इस चीज़ को अनाउंस किया गया था, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ठीक है, तो जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, तो वहाँ पे 1896 में चुने गए थे अपने ये दादा भाई नौरोजी जी, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, 1892 में हुए थे। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, ठीक है, तो यहाँ पे जो महमूद गजनी था, इसने अलबरूनी को अपना एस्ट्रोलॉजर कह लीजिए एक तरीके से अपॉइंट किया था, और बाद में जो इंडियन इन्वेजन उसने किया, तो यहाँ पे अलबरूनी जो है उसके साथ यहाँ है और कई वर्षों तक रहा, तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट है। अगला देखें, कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इन दिए हुए ऑप्शंस के अंदर हमारा जो मोती मस्जिद है, बेसिकली ये है दिल्ली में जो रेड फोर्ट है उसके अंतर्गत एक वाइट मार्बल मैंने मस्जिद है कह लीजिए, ठीक है, और शाहजहां के द्वारा इसको बिल्ड किया गया था, ये भी ध्यान रखिए, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किससे प्रेरित है निम्न में से, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो अभी हमारा अर्स्ट वाइल यूएसएसआर था, है ना, सोवियत संघ, उसके द्वारा यहाँ से अडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट जो था हमारा 1976 का उसके द्वारा, ठीक है, और इसके लिए एक पार्ट 4A भी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी ध्यान रखिए। दूसरा एक फैक्ट ये है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, ये सिर्फ हमारे जो सिटीजन्स हैं भारत के उनके लिए ही लागू होती हैं, तो ये भी ध्यान रखें। अगला देखें, लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है, तो अगर आपको जनरल इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने हैं लोकसभा के लिए, तो आपकी आयु मिनिमम जो है वो 25 वर्ष की होनी चाहिए, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति में से कौन सी है, ठीक है, तो हमारे पार्लियामेंट पे, इंडियन पार्लियामेंट में नंबर ऑफ कमिटीज़ के बारे में मेंशन किया गया, जिनके कुछ स्पेसिफाइड टास्क हैं, तो यहाँ पे अगर हम सबसे बड़ी देखेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो एस्टिमेट्स कमेटी जो हमारी है, प्राक्कलन समिति, ये सबसे बड़ी है, और इसमें जो टोटल मेंबर्स की संख्या होती है 30, और इनको चुना सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर्स के बीच में से चुना जाता है, ठीक है, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, ठीक है, और बाकी जो ये कह लीजिए जो इकॉनमी है इंडियन इकॉनमी, उसके एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर्स वगैरह पे अपनी रिपोर्ट देते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है हमारा करेक्ट था। अगला देखें, प्रथम अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच का अंतराल क्या होता है, कितना होता है, ठीक है, तो जैसे पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में किसी रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया जैसे 1 जनवरी 2022 को, ठीक है, तो उसके बाद 6 महीने का यहाँ पे गैप पीरियड होना चाहिए, ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मुल्ला पेरियार बांध किस के विवाद से किस राज्य का संबंध है, ठीक है, तो बेसिकली पेरियार नदी जो केरल में है, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन है मुल्ला पेरियार बांध का, और जो इसका कैचमेंट एरिया है पानी का, उसका संबंध में विवाद है ये हमारा तमिलनाडु और केरल के बीच में, तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की तट रेखा जो है सबसे लंबी है, कोस्ट लाइन, है ना, तो यहाँ पे अरेबियन सी के साइड में जो गुजरात हमारा है, ठीक है, तो जो कि उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, उसको खोल के पूरा देखिएगा आप, तो ये गुजरात जो है यही सबसे लंबा हमारा जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर इनमें से कौन सा था, ठीक है, तो फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर जो इंडिया में बिल्ड किया गया भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च, ठीक है, तो ये अप्सरा नाम से इसको इस्टेब्लिश किया गया, और ये 1956 में जो है बिल्ड किया गया, ट्रॉम्बे मुंबई में है ये, इसको भी ध्यान रखें, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, जो मॉइस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अगर हम इंडिया में देखेंगे, तो जो हमारा यहाँ पे शिलोंग का प्लेट्यू है ना मेघालय के अंदर, यहाँ पे ये पर्वत देखे जा सकते हैं, सॉरी वन देखे जा सकते हैं हमारे ये वाले, तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग जो है किसके द्वारा खोला गया था, ठीक है, तो जो आपका एंशियंट टाइम्स में सिल्क रूट था, बेसिकली जो
चाइना को ईस्ट यूरोप है ना, जो मेडिटेरियन वाला एरिया है वहाँ से जुड़ता था और ये इंडिया से पास होके जाता था, ठीक है। तो इंडियंस के लिए जो ये ओपन किया गया कनिष्क के द्वारा, और इस सिल्क रूट को जब इस्टेब्लिश किया गया तो चाइना में एक डायनेस्टी हुआ करती थी हान डायनेस्टी, ठीक है, उनके टाइम पीरियड पे इसको जो है डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो इन शहरों में देखें अगर हम, जो पेशावर है ना आज के डेट में पाकिस्तान में देखते हैं आप, तो इसको पहले पुरुषपुर नाम से जानते थे। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था, ठीक है। तो जो आपका ये साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था बेसिकली, तो ये हमारा ग्रुप ऑफ सेवन मेंबर्स का एक कमीशन था, ठीक है, नवंबर 1927 में इसको कह लीजिए अपॉइंट किया गया, और इसके जो हेड थे सर जॉन साइमन, और इस वजह से ही मैंने इसका विरोध किया गया कि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थी इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके कह लीजिए डेवलपमेंट के लिए या उसकी प्रोग्रेस को रिपोर्ट करने के लिए इस कमीशन को यहाँ अपॉइंट किया गया, बट किसी भारतीय के न होने के कारण इसका काफ़ी विरोध हुआ। तो ऑप्शन हमारा जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, ठीक है। तो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर हम देखेंगे अगर जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, तो ये थे बलदेव सिंह, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने किसके खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सोशल लेवल्स थे उनके टाइम पे, यहाँ पे इन्होंने सती प्रथा की बुराई के लिए, अंत के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, और इसी दिशा में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, उनके शासनकाल में यहाँ पे एक एक्ट भी पारित किया गया जिसके अंदर सती को बैन कर दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट था। अगला देखिए, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज अगर हम वर्ल्ड के अंदर देखें तो ये आपका यहाँ पे एंडीज हमारा जो है ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी के अंदर। और अगर जिसे इसकी लेंथ बताएं आपको ऑलमोस्ट, तो ये 7000 प्लस किलोमीटर्स के अंदर है। साउथ अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है वहाँ पे लगभग 7 कंट्रीज से गुजरता है, जिसमें कि आपका वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, फिर पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, एकांकागुआ है ना। तो मैप में भी एक बार लोकेट करें, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट है। दक्षिणी गोलार्ध में हवा किसके कारण बाई ओर विक्षेपित होती है, ठीक है। तो जैसे हमारा ये अर्थ है, ठीक है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट जो है ये रोटेट कर रही है, ठीक। और जैसे इक्वेटर है तो इसके ऊपर का ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, ये साउदर्न पार्ट है, ठीक है। तो जो साउदर्न हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारा विंड सर्कुलेशन होता है ये क्या हो रहा है, ऐसे चल रही ना, ठीक। तो ये किस कारण से हो रही है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ का ऑप्शन हम यहाँ पे चूज करेंगे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को एक सार्वभौमिक संगठन माना जाता है, और संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग पूरी तरह से इस तथ्य का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो जो हमारा एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर किया जाता है यूएन, तो हमारा इसमें जो कौन सा यूएन का ऑर्गन है जो इसको फुल्ली रिप्रेजेंट करता है इस फैक्ट को, तो ये यूएन जनरल असेंबली जो है ये करता है, ठीक है। इसमें अभी एज ऑफ नाउ अगर हम देखेंगे तो 193 मेंबर्स कंट्री जो हैं इसके सदस्य हैं। तो ऑप्शन हमारा डी जो था ये करेक्ट था। अगला देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो एक पीएच स्केल होती है ना, यहाँ पे हमारा 7 जो है ये हमारा न्यूट्रल है, तो इधर एसिडिक है, और 7 से ऊपर जो हो जाता है हमारा बेसिक हो जाता है। तो हमारा जो ब्लड होता है बेसिकली ऑन द बेसिक साइड होता है, इसकी वैल्यू पीएच स्केल पे अराउंड 7.35 से 7.45 होती है, ठीक है। तो एज अ फैक्ट इसको याद कर लीजिए, एग्जाम्स में आपसे पूछते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखें कि निम्न में से कौन एक स्वपोषी है, ठीक है। कुछ ऑटोट्रॉफ हमारे इनमें से जीव होते हैं, तो अगर हम देखेंगे जो अपना खुद का भोजन निर्मित कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इन दिए हुए ऑप्शन में से एल्गी, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीव जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम है, एक्वाटिक वाटर बॉडीज, वहाँ पे ये साइनोबैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन हम सी चूज करेंगे। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो द इकोसिस्टम ऑफ अ पॉन्ड इज रेफर्ड एज लेंटिक, ठीक है। जो भी एक इसको ऐसे ध्यान रखें कि विच वाटर बॉडीज जो कि कह लीजिए स्टिल वाटर के अंदर में है, जैसे कि पॉन्ड, लेक है ना, इस तरह की वाटर बॉडीज, तो यहाँ पे इनको लेंटिक वर्ड के थ्रू रेफर किया जाता है, ऑप्शन बी।
भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति बनाता है? ठीक है, तो जो फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, दिस इज एसोसिएटेड विद फॉर्मुलेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी, और वहीं जो हमारी मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी है, ये आरबीआई के द्वारा यहाँ पे फ्रेम किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी जो है दिस इज करेक्ट। निम्न में से कौन उष्ण कटिबंधीय प्रकार की मिट्टी नहीं है? ठीक है, तो ट्रॉपिकल सॉइल्स अगर हम इनमें से देखेंगे तो रेड सॉइल, डेजर्ट और ब्लैक मिट्टी है ना, ब्लैक सॉइल ये हो जाएंगी। ब्राउन सॉइल जो हमारी है ये यहाँ पे ट्रॉपिकल सॉइल के अंदर में काउंटर नहीं होगी, तो ऑप्शन हमारा सी जो है, सॉरी डी जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र में नहीं निकलती है? ठीक है, तो ओरिजिनेट यहाँ पे हमारी जो इंडियन टेरिटरी में नहीं होती है, सतलज रिवर। ठीक है, ये कहाँ से हो रही है? जो हमारा ये मानसरोवर लेक जो है वहाँ से ये निकलती है, और इंडिया में जो ये एंटर करती है तो शिपकिला दर्रे के पास से यहाँ एंटर हो रही है, तो ऑप्शन हम जो बी है इसको चूज़ करेंगे। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो दिलवाड़ा टेम्पल है आपका यहाँ पे राजस्थान के अंदर, ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट है। अगला देखिए, 8 जून को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाते हैं यहाँ पे वर्ल्ड ओशन डे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाकी के दिवस जो भी लिखे हुए हैं इनकी डेट्स आप देख लें एक बार। अगला देखें कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो निम्न में से किससे बना होता है? ठीक है, तो जैसे आप जो इलेक्ट्रिक बल्ब, अब तो जैसे सीएफएल एलईडी आ गए हैं, बल्ब में कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर होता था, यहाँ पे कॉइल्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो फिलामेंट है हमारा ये बना होता था टंगस्टन से। ठीक है, चूंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी हाई होता है, और यहाँ पे इस गैस के जो हमारा कांच है उसके अंदर में आर्गन गैस मेनली होती थी, जो कि प्रिवेंट करती थी हमारा ये टंगस्टन को ईजिली जो उसका डिटोरिएट ना हो, है ना, काफ़ी उसकी लाइफ बढ़े, तो गैस भी आर्गन यूज़ करते थे, और आर्गन के साथ साथ कई बार जैसे कि हीलियम, नियॉन जैसी गैसेस भी इन सब पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती थी। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किस में किया जाता है? ठीक है, तो जो पोटेशियम है बेसिकली जैसे कि एनपीके आपने पढ़ा ही होगा, फर्टिलाइजर्स वगैरह में ये चीज़ें यूज़ काफ़ी होती हैं, तो यहाँ पे हम उर्वरक जो ऑप्शन हमारा है फर्टिलाइजर का इसको चूज़ करेंगे। ये गलत क्लिक हो गया फिलहाल मुझसे, ऑप्शन बी देख लीजिए करेक्ट है। एक्टिनाइड्स परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल होता है उसमें आप देखेंगे तो एक्टिनाइड्स जो है एक 15 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, जो कि शुरू होता है 89 से लेकर 103 तक। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं ये एक्टिनाइड्स वगैरह का, इनको इसलिए बोला जाता है कि दीज एलिमेंट्स आर नोन फॉर इट्स रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो जिसमें यूरेनियम और थोरियम ये सब चीज़ें आती हैं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था? ठीक है, तो जो हमारा 1929 का सेशन था लाहौर का, ठीक है, यहाँ पे जो है इस पूर्ण स्वराज की मांग को एक्सेप्ट किया गया, और बाद में आपका जो है इकतीस दिसंबर 1929 को ये इंडिया का जो फ्लैग है वो उसको होस्ट किया गया प्रेसिडेंट जो उस टाइम पे थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और कांग्रेस की ये डिमांड की गई कि पीपल ऑफ इंडिया जो है वो 26 जनवरी को, है ना, इंडिपेंडेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करें, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे फिलहाल डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अली नगर कर दिया था? ठीक है, तो बेसिकली ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स को हरा के उनको उनके सेटलमेंट से हटाया गया बंगाल के रीजन में कुछ टाइम पे, तो सिराजुद्दौला ने ये जो कलकत्ता था इसका नाम चेंज करके अली नगर किया था। ठीक है, और चूंकि जो इसका सिराजुद्दौला के जो ग्रैंडफादर रहे अली वर्दी खान, तो उनको वहाँ पे दफनाया गया था, तो उन्हीं के ऑनर में कह लीजिए उसने कुछ ऐसा निर्णय किया, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए जो है करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन का गति का पहला नियम किसकी अवधारणा देता है? ठीक है, तो जैसे न्यूटन के 3 लॉज जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं, तो जो फर्स्ट लॉ था उसने कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया दिया, है ना, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जिसमें बेसिकली उन्होंने ये बताया कि अगर जैसे कोई एक बॉडी है रेस्ट में है या फिर मूव कर रही है, तो जैसे कि मूव कर रही हो तो एक कॉन्स्टेंट स्पीड से उस स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट ना करे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो डी है ये करेक्ट है। शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है इनमें से किस भाग में? ठीक है, तो जो अगर आपके बॉडी में एक्सेस फैट होता है तो दैट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, यानी कि जो वसा ऊतक है, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, इन सारे क्वेश्चंस को आप देखें, हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।